नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच जारी तीन मैचों की T20 सीरीज़ का दूसरा मुकाबला राजकोट में खेला गया, जिसे टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा की विस्फोटक पारी और चहल की फिरकी के दम पर 8 विकेट से जीता। इसी जीत के साथ भारत ने सीरीज़ में 1-1 की बराबरी हासिल कर ली है। भारत की इस जीत के हीरो रहे कप्तान रोहित शर्मा, जिन्होंने विस्फोटक रूप अपनाते हुए 43 गेंदों में 6 छक्के और 6 चौके की मदद से 85 रन बनाए। इन रनों के साथ ही रोहित शर्मा ने अपने नाम कई बड़े रिकॉर्ड जोड़ लिए हैं। वहीं पारी के छठे और चहल के पहले ओवर की तीसरी गेंद पर सलामी बल्लेबाज लिटन ने क्रीज से निकलकर बड़ा शॉट मारने की कोशिश की, हालांकि वो गेंद को पड़ने में सफल नहीं रहे और गेंद पंत के दस्तानों में समा गई और उन्होंने जब तक लिटन क्रीज पर आते स्टंप भी कर दी, जिसके बाद इस विकेट को थर्ड अंपायर ने एक बार फिर से चेक करने के प्रयास किया तो स्टंप करते समय ऋषभ पंत के ग्लोव्स स्टंप्स के आगे नजर आ रहे थे, जो कि ICC के नियमों के अनुसार गलत थे, जिसके चलते बल्लेबाज को नॉट आउट करार दिए जाने के साथ साथ गेंद को नो बॉल भी करार दिया गया। भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि जिस तरह से इस समय पंत बल्लेबाजी और कीपिंग कर रहे हैं, उससे आने वाले समय में वह बेहतरीन बल्लेबाज और विकेटकीपिंग के रूप में नज़र आ सकते हैं। लेकिन पंत की यह कमजोरी है कि उन्हें छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ एक बड़ी गलती की है, उससे उन्हें सबक ले लेनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।